सुल्तानपुर यूपी उत्तर प्रदेश की खबर पाने के लिए हमारे चैनल अपना सुल्तानपुर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, धन्यवाद। खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में लॉकडाउन के मद्देनज़र पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के खिलाफ हो रही है सख्त से सख्त कार्रवाई। तो वहीं सुल्तानपुर के एसपी विपिन मिश्रा ने सभी पुलिस कर्मियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर दिए आवश्यक निर्देश, कहा कि कोई भी बिना आवश्यक घर से ना निकले। तो वहीं सुल्तानपुर जिले में डीएम रवीश गुप्ता एवं एसपी विपिन मिश्रा ने पैदल मार्च कर पूरे शहर का कानून व्यवस्था का लिया जायजा। तो वहीं सुल्तानपुर में अवैध शस्त्रों और मादक पदार्थों के खिलाफ निरंतर जारी रहेगी पुलिस की कार्रवाई। एसपी विपिन मिश्रा ने दी जानकारी, कहा कि अपराधियों के लिए ये है खुली चेतावनी, अवैध शस्त्र और मादक पदार्थों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। तो वहीं सुल्तानपुर के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य व 11 लोगों पर विरोधी के घर फायरिंग करने एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में हुआ नगर कोतवाली में केस दर्ज। सुल्तानपुर जनपद में अलग अलग थाना क्षेत्रों में एसपी विपिन मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ की शांति व्यवस्था की भंग की कार्रवाई। अब आगे की कार्रवाई में जुटेगी पुलिस। तो वहीं सुल्तानपुर के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के खिलाफ नगर कोतवाली में दर्ज हुआ हत्या के प्रयास का मामला, पुलिस कर रही जांच पड़ताल। सुल्तानपुर में जिला अधिकारी ने अमहा ट्रामा सेंटर में L2 हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश, कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। तो वहीं सुल्तानपुर जिला अधिकारी रवीश गुप्ता ने KNIT निर्माणाधीन L2 एवं L1 हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण, आदेश दिया कि 100 बेड शीघ्र पूर्ण होने के तुरंत दिए जाए निर्देश। तो वहीं सुल्तानपुर में जिला अधिकारी रवीश गुप्ता ने जन जागरूकता के लिए COVID-19 प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कई अधिकारीगण रहे मौजूद। तो वहीं सुल्तानपुर जनपद में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का मामला, आज 181 लोगों की जांच रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, CMO ने दिए जानकारी। तो वहीं सुल्तानपुर जिले में अशांति फैलाने और COVID-19 गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ SP विपिन मिश्रा ने दिए सख्त निर्देश, कहा कि अनावश्यक घर न निकलें एवं COVID-19 गाइडलाइन का पालन करें। तो वहीं सुल्तानपुर के पयागीपुर स्थित भाजपा कार्यालय पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद हुई हिंसा पर पयागीपुर स्थित कार्यालय पर वर्चुअल बैठक के माध्यम से की गई निंदा। तो वहीं सुल्तानपुर के कादीपुर मुस्तफाबाद सरैया के नवनिर्वाचित प्रधान के निधन पर व्यापारियों ने जताया शोक। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर गोसाईगंज पुलिस टीम ने मठा गांव में हुई मारपीट के वांछित अभियुक्त को किया है गिरफ्तार, भेजा जेल। अब आगे की कार्रवाई में जुटेगी पुलिस। तो वहीं सुल्तानपुर के कादीपुर में CEO और SDM के नेतृत्व में निकाला गया है नगर में फ्लैग मार्च, घर में रहने से की गई है अपील। तो वहीं सुल्तानपुर के लंबुआ सिमरी राजापुर में पैरालीगल वॉलंटियर श्रद्धांजलि ने लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक, दिया अनोखा संदेश। तो वहीं सुल्तानपुर के जयसिंहपुर मिर्दासपुर में हिंदू युवा वाहिनी उपाध्यक्ष एवं समर्थकों के साथ मारपीट करने वाले 10 नामजद एवं 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ है मुकदमा दर्ज, पुलिस कर रही है मामले की जाँच पड़ताल।